सजावल से खबर शामिल करते हैं, जहां पर बारिश और सैलाब का गंदा और जहरीला पानी दरियाए सिंध में छोड़े जाने के बाद जेरे सिंध के 6 इस्लामी इंसान और जानदारों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। चीफ इंजीनियर कोर्टी बिराज ने दरियाए सिंध का पानी जहरीला करार देकर पीने के लिए फिल्टर पानी इस्तेमाल करने के इंतजामिया को लेटर जारी कर दिया। हालिया बारिशों के बाद सैलाब से सिंध में बड़े पैमाने पर तबाही आई है। सिंध के ऊपरी अजला में सैलाबी गंदे पानी को खारिज करने के लिए आखिरकार सिहुन के करीब मुख्तलिफ कट लगाकर गंदा जहरीला पानी दरियाए सिंध में खारिज किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक 50,000 क्यूसिक से ज़ायद पानी दरियाए सिंध में खारिज हो रहा है, जबकि यह सिलसिला मजीद 1 माह तक जारी रह सकता है। दरियाए सिंध में सखर से पानी का अखराज सिर्फ 27,000 क्यूसिक है, जो की कोटरी तक उससे भी होकर पहुँच पाता है, लेकिन इस वक्त कोटरी पर 75,000 क्यूसिक पानी पहुँच रहा है, जिसमे 50,000 क्यूसिक तक लाबी गंदा पानी है। कोटरी बिराज से जेरे सिंध के इस्लाम में नहरों से पीने और जरिए मकासद के लिए पानी फ्राहम होता है। सैलाब गुजरने के बाद अब जहरीले गंदे बारिशी पानी को दरिया में खारिज करके जेरे अजला के लाखों अफराद और करोड़ों जानदारों की जिंदगियां दांव पर लगा दी गई हैं। मस्कुरा अजला में आलूदा पानी नहरों में आने से मुख्तलिफ इकसाम की खतरनाक बीमारियां फैल रही हैं, जिनमें गुर्दों, पेट और जल्द के अमराज नमाया है, जबकि डेंगू, मलेरिया, नाक, कान, गले के अमराज भी आम है। सैकड़ों की तादाद में मवेशियों की हलाकते रिकॉर्ड हो रही है।